Okay, so it's time to reveal the gender. Hassan, will you pop the balloon? Yes, yes, yes. Okay, come on. So, Hamza, आप एक तरफ से पकड़े, मैं एक तरफ से पकड़ती हूँ. चले जी. 1, 2, 3, go. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामुअलैकुम. आई होप के आप सब खैरियत से होंगे. मैं भी जितनी खैरियत से हो सकती हूँ उतनी खैरियत से हूँ. इन द सेंस दैट मेरा प्रेगनेंसी का लास्ट ट्राइमेस्टर का बिल्कुल लास्ट स्टेज चल रहा है. अल्लाह का बहुत करम है. इट्स माय 9th month, 9वां महीना है. और वो जब होता ना कि आप टेल एंड ऑफ प्रेगनेंसी पे होते हैं तो बहुत सी फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स होती हैं. इमोशनल भी हुए हुए होते हैं, फिजिकली भी बॉडी एक सर्टन लेवल के पेन में होती है. एंड लिटरली दिस इज़ माई 5th pregnancy, इन द सेंस के 2 miscarriages भी हुई. तो यू नो, अब बहुत ज़्यादा लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि जी जेंडर रिवील वीडियो कब बना रही हैं. जेंडर रिवील से मतलब ऑब्वियसली इसका मतलब ये कि भाई लड़का हो रहा है कि लड़की. ऑब्वियसली हम मॉडर्न ज़माने में रहते हैं, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप के लिए जाते हैं, तो हमारे साथ ये चीज़ शेयर की जाती है कि जी लड़का है कि लड़की है बाय डिफ़ॉल्ट. और अगर आप पूछें तो फिर आपको डेफिनेटली बता देते हैं, एटलीस्ट प्राइवेटली जब आप डॉक्टर्स पे जाते हैं. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का सिस्टम फ़र्क होता है. लेकिन आई हैव 2 boys, माशाल्लाह, हमज़ा हु इज़ 14 एंड हसन जो 3 साल और 8 महीने का है. हमज़ा भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इज़ गोना बी 15. सो 2 boys एंड नेचुरल सी बात है कि ख्वाहिश तो बेटी की ही है. और मुझे पता है बाय द वे कि जेंडर क्या है. बच्चों को अभी नहीं पता, छोटा तो बहुत ही छोटा है, लेकिन उससे पूछो तो कभी वो कहता है उसको भाई चाहिए, कभी वो कहता है कि उसको बहन चाहिए. बट हमज़ा से मैं आपकी भी मुलाकात कराऊंगी और हमज़ा से ज़रा पूछते हैं कि उनको भाई चाहिए कि बहन, एंड देन ऑफ कोर्स हम जेंडर रिवील करेंगे. सो डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल नो वेदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल. नाउ हियर्स द थिंग. ऑब्वियसली नाउ बिकॉज आप लोग जब कोई डिमांड करते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि उसको पूरा ज़रूर करना चाहिए. जबकि हसन की बारी तो बिल्कुल ही टेल एंड तक मैंने कोशिश की थी कि ना ही बात करूँ. ऑल्सो आपको पता है बड़े कहते हैं नज़र लग जाती है, ये होता है वो होता है, बट खैर हस्बैंड से डिस्कस करके सबसे बात करके मैंने कहा कि चलें अब रिवील कर ही देते हैं वेदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल. तो आई थिंक नाउ इट्स टाइम कि हम पहले हमज़ा से मिल लेते हैं, उससे भी पूछ लेते हैं कि उसको भाई चाहिए कि बहन. जबकि मुझे बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अब अगर तीसरा बेटा हो गया तो फिर 3 भाई हो जाएंगे. बट ये ज़रूर आपको बताऊंगी कि जब हमज़ा, व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम, तो मुझे बड़ा शौक था बेटी का, तो मैंने नाम सोचा कि मैं आर्याना नाम रखूँगी. एक बात ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि जब व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग हमज़ा तो मैंने सोचा था कि मैं, मेरी बेटी होगी और मैं उसका नाम रखूँगी आर्याना. खैर बेटा हो गया, उसका नाम हमज़ा रख दिया. फिर उसके बाद व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग हसन तो बड़ी ख्वाहिश थी कि बेटी हो, तो मैंने सोचा कि मैं नाम रखूँगी जहरा बानो. बट देन फिर बेटा हो गया और नाम हसन रखा. अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है. अल्लाह मेरे बच्चों को ज़िंदगी दे, सेहत दे, अच्छी किस्मत वाली लंबी खुशियों भरी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन. लेकिन ऑब्वियसली अब एक नेचुरल सी बात है कि इफ़ इट्स अ गर्ल इट वुड बी ऑसम. सो फिंगर्स आर क्रॉस्ड. पहले हमज़ा को बुला लेते हैं. हाँ जी हमज़ा, आ जाओ बेटा. ओके, सो वी आर डूइंग अ जेंडर रिवील वीडियो. आपको भी बड़ा जोश था कि मामा लेट्स डू अ जेंडर रिवील. एक तो जो यंग जनरेशन है, जनरेशन, आर यू जनरेशन जेड? पता नहीं, हम अभी कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि मुझे पता है मिलेनियल तो मेरे बाद वाले हैं, तो फिर ये मेरे ख्याल से जनरेशन जेड होगा. तो इनको ना ये बहुत टेक सेवी हैं, हर चीज़ ये चाहते हैं कि ऑनलाइन हो एंड यू नो वोक हो और क्या हो, बस हो, बस हो. और ऑफ कोर्स इस जनरेशन को हम तो बहुत ही अनकूल लगते हैं. लेकिन खैर, यू वांटेड अ जेंडर रिवील वीडियो, सो टेल मी, डू यू थिंक इट्स अ बॉय और अ गर्ल एंड व्हाट डू यू वांट? सो मुझे दोनों तरफ फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई है या बहन है, क्योंकि दोनों तरफ अपनी अच्छी बातें और अपनी बुरी बातें. तो बुरी बातें क्या है? जैसे कि हसन इसका कीमा निकालता है, मार मार के मेरे बेचारे बच्चे का मलीदा निकाल देता है वो. तो जिस भी जो भी होता है, बहन होता है या भाई, मैं दोनों तरफ बहुत खुश हूँ.
बट ऑब्वियसली अब दो भाई हैं तो एक बहन तो चाहिए, तो चाहिए तो मतलब ज़बरदस्ती है कोई, अपने अल्लाह मियाँ से बस कहना है कि बस हमें चाहिए। अब दो भाई हो गए, अब इस दफ़ा तो ना ट्रोल हो तो बेहतर। अच्छा, बिकॉज आई थिंक हमजा वॉज एक्सपेक्टिंग, जब भाई का पता चला तो हमजा सेड चले दैट विल बी रियली कूल, आई हैव अ ब्रदर टू प्ले विथ, ये होगा वो होगा। उसको क्या पता था कि वो फिर 24 घंटे इसका कीमा निकालेगा, और क्योंकि वो ऑब्वियसली साइज में उससे मतलब 10 साल 11 साल बड़े हो आप, तो वो हर वक्त इसको डांट पिटी होती है कि हमजा मत करो, छोटा है वो, हमजा मत करो। और कभी कभी इसकी शक्ल पे वो एक्सप्रेशन आती है कि मैं उसका कीमा निकाल दूंगा, ये तो मेरे साथ करता है। तंग करता है हसन, सच बोलो, लोगों के सामने ड्रामा ना करो। करते मारते अपनी मर्जी करता है, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ कहूँगा तो मेरी बेइज्जती होगी। मेरी बेइज्जती होगी, सुन ले ज़रा, बेइज्जती होगी बेचारा मस्कीन। लेकिन एक बात मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ, आपको मेरे से तो कुछ नहीं पड़ी कभी, तो चलो भाई से मार खा लिया करो, ठीक है? अच्छा, आप जेंडर रिवील के लिए रेडी हो? ओके, सो वी आर रेडी टू रिवील द जेंडर। अब हम अपने तीसरे मेंबर को भी बुला लेते हैं। फैसल ने तो इनकार कर दिया ना, उसने कहा तुम मुझे यूट्यूब पे बिला वजह बार बार जो लगा लगा के अजीबोगरीब वीडियोस बनाती हो, मैं तुमसे बहुत तंग हूँ, जो करना है करो लेकिन मुझे मत इन्वॉल्व करना। तो बाबा ने तो रिफ्यूज़ कर दिया था। तो अब हम दोनों हसन को पकड़ के आपके साथ रिवील करेंगे कि वेदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल। सो लेट्स गो गेट हसन। ओके, सो इट्स टाइम टू रिवील द जेंडर। हसन, विल यू पॉप द बलून? यस यस यस। ओके, कम ऑन। सो हमजा, आप एक तरफ से पकड़े, मैं एक तरफ से पकड़ती हूँ। चले जी, 1 2 3 go. What is it? It's a girl. It's a girl. Can you say hooray? It's the first one. So now you won't get harassed. He popped the balloon. So you, okay, are you having a baby sister? Yes? Yes? Tell everybody, I'm having a sister. He's having a sister. Are you excited? And one more? Okay, one more. Okay, we can pop this one. Hasan, here, take this. Take this and you pop it. Come on. You can do it. No, other one, this one. What is it? It's a... Girl! So Hasan's gonna have a new sister. And another one. भाई ये तो चलता रहेगा. So it's a girl. And मुझे तो पता था काफी देर से, लेकिन आप लोगों को बताना मेरे ख्याल से ज़रूरी ही हो गया था, जितने मैसेजेस आ रहे थे और बातचीत हो रही थी। वैसे तो प्रेगनेंसी का एक व्लॉग भी मैंने बनाया है, माय प्रेगनेंसी सो फार, एंड ऑफ कोर्स अब ये आपके साथ रिवील कर ही दिया है, तो बेबीज़ रूम को कंप्लीट करूंगी और फिर होने वाली जो बेटी है मेरी उनका रूम भी आपको दिखाऊंगी, उसका आपको प्रॉपर टूर दिखाऊंगी। और बाय द वे ये वही रूम होगा जिसमें पहले हसन था। तो अगर आपको मेरी होम टूर की वीडियो याद होगी तो उसमें मैंने आपको रूम दिखाया था हसन का। सो नाउ दैट रूम विल बिकम माई डॉटर्स रूम, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। आपसे ज़रूर ये रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह करे कि ये जो लास्ट स्टेज है प्रेगनेंसी का सुकून से गुजर जाए, और जब मेरी बेटी इस दुनिया में आए तो सेहतमंद मुकम्मल औलाद आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों की विशेस से। एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन जो सोशल मीडिया पे इतनी मेरी सपोर्ट करते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं, जिन्होंने इतनी दुआएं दी, और ऑलमोस्ट हर बंदे ने यही कहा कि अल्लाह करे कि बेटी हो। मैंने बल्कि एक वो पोल भी किया था अपने इंस्टाग्राम के ऊपर कि इज़ इट अ बॉय और अ गर्ल, तो 26% ने शायद कहा था कि इट्स अ बॉय एंड 74% ने कहा था इट्स अ गर्ल। तो बस आप लोगों की भी ख्वाहिश पूरी हो गई और मेरी बहुत बड़ी एक जो कहते हैं ना ड्रीम या ख्वाहिश जो है वो पूरी हो गई, अल्लाह का बड़ा करम है। और बस लाइक आई सेड, दुआ में याद रखिएगा एंड कीप following me on social media as well, on my Instagram and my Facebook and my Twitter, जिसकी आप देख रहे होंगे कि नीचे पट्टी में चल भी रहे होंगे different tags, and उसके अलावा मेरे इस YouTube के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, because I'll keep giving you updates of the baby and then of course what it's like to deal with 3 children, क्योंकि अभी तो एक टीनेजर है और एक टॉडलर है, जब टीनेजर भी होगा टॉडलर भी होगा और न्यू बॉर्न भी होगी
तो पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। ये तो खैर हम आगे देखेंगे, बट कीप वॉचिंग। खुदा हाफिज़।